ये देखिए सैलून लगाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए यहाँ पे ये जो बाल वाल है ना इसको खुला नहीं रखना है। पहली बात तो ये खुला नहीं रखना है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इसको बंद करेंगे और बहुत ही बारीकी से सॉल्वेंट इसमें लगाना है। देखिए ये जो बाल दिख रहा है ना, बाल के अंदर सॉल्वेंट नहीं जाना चाहिए, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से लगाएंगे। ध्यान रखना है ये वाला इनलेट है, ये वाला आउटलेट है, ठीक है। इधर का सिरा जो है ये रिड्यूस है, तो ये बताता है ये इनलेट है ये आउटलेट है। यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे तो ये उल्टा होगा, हालांकि उल्टा होगा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उल्टा है डायरेक्शन। इनलेट यहाँ पे है, आउटलेट ये है। देखिए इस डायरेक्शन में इसे ऐसे करके लगाना है आपको, देखिए हल्के हाथों से। ये देखिए ये देख रहे हैं ना, करीब से दिखाना। ये देखिए अंदर का जो बाल है ना पूरा सेफ है, सॉल्वेंट नहीं लगना चाहिए इसमें, ये ध्यान रखना है। इसको यूं करके लगाना है, ये देखिए इस तरह से इस डायरेक्शन में करके लगाना है, बाल में सॉल्वेंट नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे यूनियन डालेंगे। देखिए दोनों तरफ पाइप लगा दिया मैं, ठीक है। अब देखिए इधर भी लग गया, इधर भी लग गया, हो सकता है कि सॉल्वेंट जो है बाल के अंदर लग गया हो, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो है ना इसको ऑन ऑफ करना है 3-4 बार। देखिए इस तरह से करना आपको। अब इस केस में ये होगा कि सॉल्वेंट जो है वो पकड़ेगा नहीं, रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा, इस तरह से ऑन ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर लगाएंगे यूनियन, ये वाला इनलेट है, ये वाला आउटलेट है। लगाने से पहले यूनियन का वाशर चेक करेंगे, देखिए ब्लैक कलर का वाशर होता है, इसका ध्यान रखना है, नहीं होगा तो फिर लीकेज करेगा। ये देखिए सेम प्रोसेस रखना आपको। अभी मेरे केस में हल्का सा इसमें जो है सॉल्वेंट इसमें लग ही गया है, ठीक है। सॉल्वेंट ज़्यादा लग जाए तो फिर इसमें पानी डालेंगे, पानी ले आना थोड़ा सा, और अगर थोड़ा सा लगा है तो फिर इस तरह से आपको घुमा देना है 4-5 बार, ये सही हो जाएगा। देखिए इसका भी वाशर चेक करना है, जितना भी यूनियन होगा सबका वाशर चेक करेंगे। देखिए ब्लैक वाशर यहाँ पर है, अगर नहीं होगा तो फिर लीकेज करेगा।
देखिए यहाँ पे दोस्तों जो टैंक है, टैंक का कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से मैं कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कनेक्शन यहाँ से मेरा गया हुआ है। देखिए 2.75 इंच का आउटलेट है और एक इनलेट है, ये वाला 1 इंच वाला, जो कि जा के टैंक को भर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं तीनों पाइपलाइन इस तरह से आ रहा है। अब वो यहाँ से रिड्यूस हो गया है। अभी ये 1.75 इंच का दिख रहा है, देखिए ये तीनों 1.75 इंच का दिख रहा है अभी, दोनों ये 1.75 इंच का है। अब यहाँ से इसको रिड्यूस कर दिया प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, 1.5 इंच कर दिया मैं। अब 2 लाइन यहाँ पे 1.5 इंच जा रहा है, उसके बाद एक लाइन वो भी देखिए वो भी 1.5 इंच का है। 3 आउटलेट निकल रहा है, अब यहाँ पर जाके कनेक्ट है। एक देखिए यहाँ पर कनेक्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टैंक कनेक्टर, उसके बाद यहाँ पर बाल, फिर यूनियन देना, इस तरह से करना है। अब मैं आपको बताऊँगा अभी वाटर हैमर को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से एयर पाइप को कहाँ पर खड़ा करेंगे। ठीक है, क्योंकि पानी में हैमरिंग जो होता है ना, उसको कहाँ पे आप किस तरह से एडजस्ट करवाएंगे ताकि जो है फ्लो आपको अच्छा मिले और प्रेशर में एयर ना आए जब कोई टैप को ओपन करे। तो देखिए उसके हिसाब से इस तरह से फिटिंग किया गया है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। गलती नहीं करना है। देखिए 45 वहाँ पे लगाया गया है। आपको लग रहा है कि करीब करीब में अगर ज़्यादा एल्बो देंगे तो प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए देखिए 45 दिया, एक एल्बो दिया, टी देखे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया नीचे में। अब देखिए यहाँ पे ये जो है मोटर वाला है, जो कि आप देख सकते हैं टैंक को जाके भर रहा है ये। ठीक है, और कुछ प्लम्बर भाई कंप्लेन ये करते हैं कि कंप्लेन क्या, वो पूछते हैं कि एयर पाइप को बाल के बाद में लगाऊं या फिर एयर पाइप को बाल से पहले लगाऊं। तो दोनों ही बता देता हूँ मैं क्या दिक्कत होगा। देखिए बाल के पहले ही अगर यहाँ पे आप एयर पाइप लगाएंगे तो क्या दिक्कत होगा। देखिए अगर आप प्लम्बर हैं, बाल के पहले एयर पाइप आपने मान लीजिए यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो उस समय ये दिक्कत होगा कि जब बाथरूम में आप जाएंगे कुछ भी काम करने के, रिपेयर करने के लिए, यहाँ पे इस तरह से बाल को बंद किया, अब क्या होगा, पानी रिलीज नहीं होगा आपके बाथरूम का। जो भी ये पाइप का पानी होगा ना, वो रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं रिलीज होगा, क्योंकि आपने एयर पाइप यहाँ पर दिया हुआ है और इसको जब आप बंद कर देंगे तो फिर इस पाइप में एयर मिलेगा नहीं। और जब एयर नहीं मिलेगा, यानी कि जब देखिए पानी जब बहता है ना, तो जो एयर होता है उसको निकलना चाहिए, रास्ता नहीं मिलेगा तो एयर बना के वो अपनी तरफ खींचा हुआ रहेगा, पानी रिलीज नहीं होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा या फिर होगा भी तो। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कितना समय तक इंतज़ार करेंगे रिपेयर करने जाएंगे बाथरूम में। तो सबसे सही और अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, ये बाल लगाना है, यानी कि टैंक कनेक्टर बाल, उसके बाद एयर पाइप देना, इस तरह से करना है। बाल के बाद में एयर पाइप देना है, और बाल के पहले भी अगर आप देना चाहते तो दे ही सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, कई बार कस्टमर कहते हैं कि मुझे बाल नीचे चाहिए, तो उस केस में एयर पाइप पहले ही हो जाता है, बाल जो है बाद में होता है। ठीक है, तो उसमें ये दिक्कत होता है कि जो मैं बता रहा हूँ, बाथरूम का जो पानी है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, पाइप में रुक रुक के पानी रिलीज होता है, रुका हुआ रहता है। तो बस ये ध्यान रखना आपको, जो सबसे सही तरीका ये है कि बाल को आप ऊपर ही दीजिए हमेशा, सबसे पहले बाल दीजिए, बाद में एयर पाइप दीजिए। मेरा तीनों जो है कनेक्शन आप देख सकते हैं, पहले बाल है, इसमें भी, और उसके बाद उसमें भी, देख सकते हैं तीनों में बाल मेरा पहले है, उसके बाद एयर पाइप है। और एयर पाइप जब आप खड़ा करेंगे ना वाटर हैमरिंग को कंट्रोल करने के लिए, वाटर हैमर को ख़त्म करने के लिए, तो देखिए वहाँ पे टी डायरेक्ट लगा के नहीं छोड़ना, टी में आपको इस तरह से 45 डाल देना है। अगर टी लगा के रखेंगे तो कोई चिड़िया वगैरह कुछ भी कचरा उसके अंदर चला जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, तो इसलिए 45 आपको लगा देना। इसमें भी डाला मैं, और वाटर हैमर को कंट्रोल करने के लिए 2 पाइप यहाँ पर दिया मैं। देखिए टी में दोनों में 45 डाल दिया ताकि जो है कोई चिड़िया वगैरह कुछ भी इसके अंदर कचरा डाल ना पाए, वाटर हैमर को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि नीचे जब बाथरूम में कोई भी टैप को जब ओपन करेगा ना, तो उस समय यह हैमरिंग होता है, इस तरह से पानी में उछाल आता है, हैमरिंग का मतलब उछाल आता है, तो उसके लिए आपको जगह बना के देना है। वो हैमरिंग जो है इस पाइप के अंदर होगा, इस तरह से पानी फ्लो होगा, अप डाउन होगा। ठीक है, तो ये जो पाइप है ना वाटर हैमरिंग के लिए, जो एयर पाइप आप दे रहे हैं सही जगह पे दीजिए, जहाँ पे डाउन हो रहा है वहीं पे दीजिए। अब लेवल मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए टैंक का लेवल वो देख रहे हैं आप, ये बॉटम है, टॉप लेवल उसका ऊपर का है, जो कवर आप देख रहे हैं कवर के लेवल से, वो टॉप लेवल से आपका जो ये एयर पाइप है ना वाटर हैमर को ख़त्म करने के लिए, जो एयर पाइप है वो कम से कम 1.5 फीट मैक्सिमम 2 फीट की हाइट पर होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, पाइप जब आप ज़्यादा घुमाएंगे या फिर प्लम्बर उल्टा सीधा घुमाते हैं तो इसके ऊपर से भी पानी फ्लो होता है, इसलिए पर्याप्त हाइट उसका होना चाहिए। टैंक के टॉप लेवल से कम 1.5 फीट मैक्सिमम 2 फीट रखना आपको। ये देखिए ये भी जो है दोनों सेम लेवल पे है, टैंक लेवल से इसको कम से कम 1.5 फीट 2 फीट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट तक आप रख सकते हैं। इस तरह से फिटिंग यहाँ पर किया गया है। 1.5 इंच का टोटल लाइन है, प्रेशर जो है पूरा भरपूर है, यहाँ पर टैंक में पानी भर दिया गया है, ओवरफ्लो हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरफ्लो अभी यहाँ पे नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वाटर लेवल कंट्रोलर। ठीक है, और ये देखिए इनलेट में और आउटलेट में सब में यूनियन देना है ताकि जो है टैंक को खोल के अलग किया जा सके साफ़ सफाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे इनलेट में भी यूनियन है, खोल देंगे अलग हो जाएगा, यहाँ भी यूनियन है, इधर भी यूनियन है, वहाँ भी यूनियन है। ठीक है,
और अभी टैंक का जो हाइट है वो कम है। ये छत है, छत के नीचे फर्स्ट फ्लोर का ही ये मकान है, ठीक है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर का ही मकान है। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए 3 फीट ऊपर लिया गया है, मोटा मोटा पाइप डाला गया ताकि जो है प्रेशर में कोई भी कमी ना आए, इस तरह से यहाँ पे फिटिंग किया गया है। ओवरफ्लो की बात करूँ तो देखिए ओवरफ्लो में जो है आपको मोटे साइज का पाइप लगाना है, जैसे 1 इंच का यहाँ पर पानी जा रहा है और आउटलेट जो निकलेगा ओवरफ्लो होकर उसमें 1.25 इंच का कनेक्टर आप लगाइए, टैंक कनेक्टर, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये पानी जाता है काफ़ी तेज़ी से और वो जो गिर रहा है वो स्लो गिरता है ओवरफ्लो वाला, तो जब स्लो गिरेगा आप पतला कनेक्टर लगाएंगे तब तक ढक्कन के रास्ते यहाँ से कवर के रास्ते ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये भी कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि मेरा जो टंकी है वो ढक्कन के रास्ते ओवरफ्लो होता है, तो वो इसी केस में होता है। ओवरफ्लो का जो डाया है इसके मुकाबले मोटा रखिए, अगर इसको आप 1 इंच रखें तो उसको 1.25 रखेंगे, और इसको अगर 1.25 इंच रख रहे हैं मोटर वाले इनलेट को तो आउटलेट जो है वहाँ पर ओवरफ्लो का उसको आप 1 इंच रखेंगे। तो इस तरह से पूरा फिटिंग यहाँ पे हो गया है, टैंक कनेक्शन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था कि प्रॉपर तरीके से आप टैंक कनेक्शन कैसे करेंगे, वाटर हैमरिंग को ख़त्म करने के लिए एयर पाइप वगैरह कहाँ पे लगाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। और आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अगर YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। और वीडियो को अगर Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, Facebook पेज और Instagram पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।